उत्तर प्रदेश के बरेली में मंगलवार को 5 लोगों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कश्मीर सिंह नाम के व्यक्ति पर आरोप है कि उसने भाई सुच्चा सिंह, भाभी और 3 बच्चों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने बच्चे के मामा ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर पर 20,000 का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए ताहिर ने साजिश रची, लेकिन पुलिस की जांच में ताहिर बेनकाब हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सिरफिरे ने अपनी प्रेमिका की बहन को गोली मार दी। लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। वारदात से घबराए सचिन ने खुद को भी गोली मार कर जान दे दी। सचिन अपनी प्रेमिका की बहन से नाराज था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहन की शादी सचिन से हो। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 परिवारों के बीच मामूली झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों परिवार के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वाराणसी के एक निजी स्कूल में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। मामूली कहासुनी पर 3 छात्रों ने साथी छात्र की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। मामला सिल्वर ग्रोव स्कूल का है। हमले में घायल छात्र वैभव सिंह 11वीं में पढ़ता है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक जब वो घर में अकेली थी तो 3 लोग जबरदस्ती घर से उठा ले गए और खेतों में उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही है। लड़की के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। 10 से 15 बदमाशों ने सरिये डंडों से रोहित नाम के लड़के पर हमला कर दिया। वारदात के वक्त रोहित एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। इस दौरान किसी ने भी रोहित को बचाने की कोशिश नहीं की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक व्यक्ति ने पुलिस के सामने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। पुलिस ने किसी तरह विक्की नाम के इस व्यक्ति को आत्मदाह करने से रोका। अपनी फरियाद न सुने जाने से विक्की कई दिनों से परेशान था। विक्की का आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक ने उसके पैसे हड़प लिए हैं। 2 दिन पहले विक्की की पत्नी ने भी इसी तरह जान देने की कोशिश की थी। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस पर एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। सोहन लाल नाम के व्यक्ति का आरोप है कि थाने में बुलाकर उसे बुरी तरह पीटा गया। सोहन लाल के शरीर पर भी निशान है। पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए सोहन लाल को थाने बुलाया था। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के पास से चोरी के 74 वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरोह के सरगना बाल उपचारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यकीन है कि गिरफ्तारी से वाहन चोरी के सैकड़ों मामले सुलझ जाएंगे।